सिगरेट पियो गोल्ड फ्लेक की, सिगरेट पियो गोल्ड फ्लेक की तो खांसी नहीं होती, लड़की पटाओ वकील की तो फांसी नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 11। 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दिस इज योर कैप्टन विकास स्पीकिंग और हम लोग आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट बार हम कहीं खो गए थे लेकिन अब वापस हम लोग अपने बेस पे आ गए। ठीक है, हमने आयरन फैन बनाने की कुछ मटेरियल वटेरियल इकट्ठा करा था लेकिन उतना मटेरियल था नहीं, तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने उतना मतलब कि कुछ इसमें उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ। हम इसको पता है ऑफ स्क्रीन करना चाहते हैं क्योंकि ऑन स्क्रीन यार बहुत सारा मटेरियल को जुगाड़ करना पड़ेगा और वो कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमने कुछ कुछ मटेरियल ले लिया है, बाकी मटेरियल हम अगले एपिसोड में मोस्ट लाइकली हम इसमें आयरन फार्म चालू करेंगे। ठीक है, और कैसे हो दोस्तों? मज़ा आ गया। ठीक है, ये दिन का मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइम होता है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग का टारगेट क्या था? हम लोग का टारगेट था खेती बाड़ी थोड़े आगे बढ़ानी और अंडरग्राउंड जाना, थोड़ा मशीन बनानी है। और ये और यहाँ पे यार पता है बार बार हम लोग ना आसमान में खो जाते हैं। ठीक है, तो इस बार के टारगेट ये है ना कि आसमान में कुछ ऐसा कुछ उड़ता हुआ कुछ परिंदा जैसा कुछ बनाया दिया जाए ताकि ऊपर में एक छल्ला जैसे बने जैसे हम लोगों को दिखे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, वेल अपना यहाँ पर आलू की खेती हुई हो रही थी। आलू कितना हो गया है? आलू तो ज़्यादा हुआ नहीं है भाई। और हम लोगों ने पता है यहाँ पे एक फार्म की मल्टी लेवल फार्मिंग शुरू करी थी और इसके बाद से हम लोग को आयरन फार्म भी बनाना था लेकिन आयरन फार्म हम लोगों ने बनाया नहीं क्योंकि एक मिनट वो ठीक है गिर चीज़ें सर होते रहती। ठीक है, अपने अब हमको पता है हम चाह रहे हैं कि अपने मतलब एक बेस बनाए और हमको ज़मीन पर जाने की जरूरत नहीं पड़े, बट हमको पता है कि ज़मीन पर जाने का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग पता है अब हम अपना ये पॉइंट्स खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम इतना ब्रीडिंग कर चुके हैं ना कि मेरे को अभी यहाँ पे पॉइंट्स खोना नहीं है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट हम लोग का क्या है? आयरन फार्म बनाना है। ठीक है, और पता है मैं एक TNT डुप्लीकेटर बनाना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो TNT बॉम्ब होता है बॉम्ब से माइनिंग किया जाए ना कि ऐसे खुदाई किया जाए। ठीक है, और पता है हम लोग पता है जो अल्फ्रेड नोबेल ने बॉम्ब की डायनामाइट की खोज करी थी। डायनामाइट मतलब कि पता है खदानों में खुदाई के लिए लोग ऐसा नहीं होते कि वो लेकर के जाते हो क्या कहते हैं उसको यार कुदाल जो क्या कहते हैं इसी को पिकैक्स लेकर के जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब बड़े स्केल पे खुदाई हो रही होती है ना तो वहाँ पे लोग बॉम्ब से खुदाई करते हैं। ठीक है, बॉम्ब जैसे कि TNT डायनामाइट वहाँ पर खुदाई होती है। अगर जो आप ऐसे इलाके में रहे हो तो आपको समझ में आया कि कितना बड़ा टेंशन वाली बात होती है बॉम्ब से खुदाई करना, क्योंकि बॉम्ब से खुदाई करने में बहुत सारा रिस्क होता है। ठीक है, कभी कभी खदानें धस जाती है, कितने सारे लेबर लोग मतलब कि डूब करके पानी में मर जाते हैं, नीचे पानी तो ही है। तो या अगर जो आपका जॉब में अगर जो आपको मतलब घर बैठे पैसे मिल जा रहे हैं, आपका वर्क फ्रॉम होम है या फिर, तो समझो कि आप बहुत लकी हो। ठीक है, नहीं क्योंकि वही पैसा कमाने के लिए लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। ठीक, और बहुत जान पे जान जोखिम पे भी डालते हैं। ठीक, तो हम लोग भी बॉम्ब से ही खुदाई करेंगे। ठीक है, आगे चल कर यहाँ पे हम TNT डुप्लीकेटर बनाएंगे। TNT डुप्लीकेटर के लिए हमको स्लाइम ब्लॉक्स चाहिए था, वो सब चीज़ें चाहिए थे, वो सब चीज़ें मेरे पास है नहीं, तो मतलब फिलहाल की हमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। असल में क्या होता है ना, देखो तुम बता रहे हैं हम करीब ये मेरा 11वां दिन हो गया, हम 10 दिन से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और 10 दिन से वीडियो अपलोड होने के कारण मतलब कि मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन पता क्या होता है कभी कभी ना थक जाते हो आप। ठीक है, आप सोचते हो कि अरे यार आज करना ज़रूरी है क्या? जैसे मतलब अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करके उठेंगे ना तो हम एक गहरा सांस लेंगे और बोलेंगे कि यार अब कल नहीं करेंगे, एक दिन आराम कर लेते। ठीक है, मेरे साथ हर दिन का यही कहानी होता है कि हम कल आराम कर लेंगे, परसों आराम कर लेंगे, लेकिन पता है दोपहर तक मेरा ओपिनियन थोड़ा सा होता है, बोलते हैं कि अच्छा छोड़ो यार कर मतलब कि उतना भी तो नहीं थके हो, और रात तक हम बोलते हैं ना यार कि हो सके तो कल कर देना रिकॉर्डिंग, और फिर सुबह जब होता है अगले दिन का आता है ना तो फिर मेरे माइंड बोलता है कि अरे यार छोड़ो ना यार रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वैसे भी क्या कर लोगे। तो कभी कभी ये मतलब थकान हो जाती है, तो हम आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब सब्सक्राइब की भीख मांगते रहते हैं हर दिन। क्या करा जाए यार, सब्सक्राइबिंग पता है एक तरीके से मतलब कि प्रूफ है कि ये बंदा ने मतलब कि चैनल बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि व्यूज बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, मतलब पहले मेरा सिंगल डिजिट में व्यू आता था, मेरा डबल डिजिट में व्यू आता है, तो आई थिंक इट्स 40-50 लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से, और मेरे को कितना दिन हुआ ही यार, मतलब कायदे से कहो तो 10 दिन भी नहीं हुआ। ठीक है,
तो आई थिंक इट्स सही है अभी फिलहाल के लिए सही, कई कई लोग को बहुत समय समय लग जाता है यार, जो जो यूट्यूबर्स है इस लाइन में, अपने लाइन में, अपने तो आपने तो देखा ही होगा ना कि कितने लोग मतलब कि यार 1,000-1,500 वीडियो डाले हैं तब जाकर के उन लोग का आज मतलब कि उनको दुनिया मतलब जानती है, समझती है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो यार मेरे को बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छा मतलब चैनल चल रहा है, ठीक है। लेकिन दिमाग कमीना ट्रेलर लालची, ठीक है, दिमाग को चाहिए यार, और ले आए, और लाओ और लाओ और लाओ, पेट भरेगा, कितना भी सब्सक्राइबर आ जाएगा पेट भरेगा। तो दिमाग लालची है, तो ये लालच पता है यार, लालच हमको थोड़ा सा अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि लालच के कारण ना बहुत झमेला होता रहता है, ठीक है। लालच के कारण हम दिन में 50 बार चेक करते रहते हैं यार कि मेरे को व्यू आया है कि नहीं आया, व्यू आया, चलो कोई किसने एक और आदमी कोई देख ले, कोई और देख ले, कोई और देख ले, तो ऐसे मतलब बार बार मन करते रहता है देखते रहने का। सो मतलब ये चीज़ें कंट्रोल करनी होगी हमको मतलब, लेकिन यार अब अपने लाइफ में यही है अभी, और कुछ है भी नहीं, पता ही है तुमको, मतलब सारा कहानी तो बता चुकी कि ये डेली वीडियो हम डालना शुरू किए थे 17 तारीख को कुछ हुआ था हमारे साथ, तो उसके उस दिन से फिर मतलब कि हम सोचे कि अब देखो यार कहीं और समय लगाने का कोई मतलब है नहीं, कि आपकी कुछ भी करो, सैक्रिफाइस करो लोग, मतलब कि क्या बताएं कहानी बाद में बताएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब यही है यार कि किसी और के पीछे मतलब इतना इन्वेस्ट करने से अच्छा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। गिर गए तो यही तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है यार कि ये भरम में मत रहो कि यार तुमको लगता है ना भाई कि तुम यूनिक हो, तुम मतलब कि किसी का उद्धार कर दोगे, तो पहले ऐसा नहीं है भाई, मैं लोग पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। और अभी हम गिरते, बाप रे रिस्की हो गया यार ये तो। हाँ तो हम कह रहे थे लोगों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है। ये दुनिया बहुत तेज़ी से घूमती है भाई, मेरे 7 अरब से भी ज़्यादा मतलब कि इस धरती पे लोग रहते हैं, 7.5 अरब जो भी हम जानते हैं। अभी सुनने में आया कि भारत चाइना को भी हरा करके पिछाड़ करके आगे बढ़ गया है, उसमें क्या कहते हैं पॉपुलेशन जनसंख्या में, तो यहाँ लोगों की कमी नहीं है यार। मतलब तुमको लग रहा तुम यूनिक हो, तुम किसी के लिए कुछ खास हो, ऐसा कुछ नहीं, लोगों के लिए लोगों की कमी नहीं है, लोग हमेशा बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए धरती पर, ठीक है, एक से बढ़ के एक लोग हैं। तुमको कोई हेल्प करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, तुमको कोई इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, मतलब चलते रहती है लाइफ, ये चलती का नाम जिंदगी है, ठीक है। ओके एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा लकड़ी उकड़ी चाहिए थी यार, हम थोड़ा सा लकड़ी उकड़ी लेके आना चाहते हैं, और यार मेरे को पता वो भी चाहिए, क्या कहते हैं सुनना, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे वहाँ खुदाई करने जाते हैं हम लोग, नहीं नहीं इसको नहीं निकालेंगे, ठीक। तो ओके सुनो, तो हम लोग पता है वो आयरन फार्म बनाएंगे और ये फार्म वो फार्म बनाएंगे, ठीक। तो उसके लिए मेरे को वो चाहिए होगा, क्या कहते हैं इस लेवल पे यहाँ तक आ गए ना, तो हम लोग पता है यहाँ से फिर आगे चलते हैं ना, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर नेदर पोर्टल बना, नेदर पोर्टल वहाँ से हम सरका तो सकते नहीं, तो नेदर पोर्टल उसको उधर ही ले चलेंगे, ठीक। और मेरा टारगेट ये भी है ना, चलो अपना बातचीत करते करते आगे बढ़ते हैं, ठीक। और बताओ कैसा चल रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं फिलहाल के लिए, मतलब ठंडी हो नहीं रही है भगवान से, तो भगवान कोशिश कर रहे हैं कि बरसात करके ठंडी करे, क्योंकि कल रात को बहुत बरसात हो रही थी और थोड़ी सी हवाएं भी बह रही थी। एक तो साला जब बरसात होता है तो बिजली कटता है, और जब बिजली कटता है तब साला मेरा दिमाग ख़राब होता है, पता है कितना बार रिकॉर्डिंग करते हुए बिजली कट जाता है, एडिटिंग करते हुए बिजली कट जाता है, एडिटिंग को बीच में कैसे पॉज करें भाई, रेंडर हो रहा है तो कैसे हम पॉज करें, वो थोड़ा थोड़ा मतलब कि वो होता है दिक्कत वाला चीज़। लेकिन यहाँ हम कर क्या रहे हैं यार, मेरे को पता मल्टी लेवल फार्मिंग करनी है मेरे को, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बढ़ानी होगी, तो आज हम मल्टी लेवल फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पे पता है भाई एक हम लोग ये कर देते हैं, क्या कहते हैं ऐसे कर दिया जाए और ऐसे कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे करके फिर ऐसे बढ़ जाएंगे और ऊपर से यहाँ कूदने में भी आसानी हो जाएगी, क्यों, ठीक है। तो अरे वाह देख रहे हो कितना मस्त सीनरी है, वो आई लव इट, देख रहे हो कितना बढ़िया सुंदर सीनरी है। अभी रात होने को हो गया है, तो एक दो, अच्छा मेरे को इसके ऊपर आना था, ऐसा किया जाए ना, सुना ऐसा करते हैं ना यार कि हम लोग ना देख रहे हो ऐसे करते, चलो सो आते, नहीं गिर 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 हमको लगा तो गिर जाएंगे, ठीक है ये लो, ठीक है चलो सो। एक्चुअली मैं पता है TNT डुप्लीकेशन करना था हम लोगों ने, TNT डुप्लीकेशन करने के लिए मेरे को क्रीपर चाहिए होता है, क्रीपर ऊपर सुबह में मिल जाता है, रात को क्या ही रोकेंगे, ठीक। रात को पता है हम इसलिए सो जा रहे हैं, हमको रात से डर नहीं लगता, बट रात को हम सो जा रहे हैं इसलिए क्योंकि रात को हम सो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर स्पॉन हो जाएंगे, साले ढकेल देंगे फालतू को, मर जाएंगे। देखो सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, मतलब मेरे को सनराइज बहुत अच्छा लगता है बच्चों, आई रियली लव इट, ठीक है। एक दो तीन आ गए, ठीक। तो अपना यहाँ पर अपना खेती बाड़ी शुरू कर रहे हैं, 3 लेवल पर अपना खेती बाड़ी चलते रहेगा, ठीक।
और यहाँ पे ये क्या बोल लेते हैं कि मतलब खेती बाड़ी का, अभी तो मेरा खाना को उतना दिक्कत है नहीं है, लेकिन हमको पता है कि खाना को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आलू उलू भी ले लिया हम लोगों ने, आलू लिया है, शलजम लिया है, ठीक है। मेरे को सीप भी चाहिए, वो सीप से पता डबल रिसोर्सेज होता है, सीप से तुम्हारा मीट भी मिलता है और सीप से ब्रेड बनाने के लिए वूल भी मिलता है, तो दोनों चीज़ें होती है, ठीक। ओके तो अपना यही कुछ यू चलेगा, तुम्हारा हमारा सिलसिला, ठीक है, कारवा चलते रहेगा, ठीक, लाइफ चलते जाते हैं, ठीक है। तुमको लगता है कि प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह, प्रॉब्लम तो है यार, पता है। ये जो वीडियो हम सभी से बना रहे हैं ना, मतलब कि ये सब कोई वीडियो बनाने में आपको लग रहा है कि खाली गेम नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे ना मतलब थोड़ी बहुत प्लानिंग होती है, ठीक। अभी हम सुबह से खाना नहीं खाया है, लेकिन मेरे वीडियो बनाना था आज, ठीक है। जब देखो एक कोई चीज़ आदत हो जाती है ना भाई, तो फिर तुम्हारा मन नहीं मारता उसको, मन नहीं मानता कि उसको किए बिना, ठीक। तो मेरी आदत हो गई है कि उसको मतलब कि वीडियो बनाना ही है, ठीक है। मेरा मूड जब बहुत ख़राब था, मतलब यार शुरुआत में जो हम वीडियो डाले, आप जाकर देख लेना यार, मेरा मतलब बहुत रोए थे, ठीक है। बहुत रोना गाना हुआ था, तो मतलब हमने उस स्थिति में भी हमने वीडियो बनाई, ठीक है। हमने अपने आप को हार नहीं माना, हम आगे आए कि नहीं। तो जब उस स्थिति में अपना हार नहीं माने, तो ससुरा अभी तो मेरा मूड फिर भी ठीक है, आज एक्सरसाइज किए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा एक्सरसाइज हो नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की, हल्का हल्का शरीर मेरा पतला हो गया, ठीक है। तो मेरा मुंह देख करके लग रहा है, ठीक है, लग ही रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर जब तकलीफ रहेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। हमने वीडियो बनाया, उस समय भी वीडियो बनाया, और हम अभी भी वीडियो बनाएंगे, हम हर दिन वीडियो बनाएंगे, चाहे मेरा हालात कैसे हो, ठीक है। मतलब हम हार नहीं मानेंगे, ठीक। मेरा काम है, मैं पुरुषार्थ करूँगा, ठीक है, मैं हार नहीं मानूँगा, मैं मेहनत करूँगा, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो उसके मर्ज़ी में वो हमारे झोली में डाल दे, ओके, ठीक है। मैं हार नहीं मानने वाला, मैं मेहनत करने वाला हूँ, बोलते हैं ना, पता है, एक मूल मंत्र बताते हैं आपको, आपको एक मैजिक चीज़ बताएं, मतलब कि जब आप अगर जो सुबह सो करके उठो, मान लो आपका दिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, बरसात शुरू हो गई, तो ये बरसात भी यहाँ पर कितना अच्छा लगता है देखने में, क्यों, देख रहे हो, मस्त है, देख रहे हो, ये तो कैमरा के ऊपर पानी पड़ी है। तो मेरे कहने का मतलब ये ना, जैसे मान लो आपका दिन बहुत अच्छा नहीं बीत रहा है, ठीक है, आपको मतलब कि तकलीफ हो रहा है लाइफ में, नौकरी में प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा है, दोस्त यार नहीं दे रहे, लड़की छोड़ के चले गई है, सब चीज़ें होती रहती है ना, तो आप सुबह उठो, ठीक है। सुबह उठते ही ना आप इस सिंपल से एक लाइन ये कहो ना, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, मैं सफलता की सीढ़ी को चढ़ने से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। जब आप ये कहोगे ना मन में, तो कहने के लिए छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन सही बता रहे हैं आप, इसको 4-5 बार भी कहोगे ना हर दिन सुबह, आप देखना एक हफ्ते में बहुत बदलाव आएगा। एक मतलब कि हमने इसके इस्तेमाल करी है, हमने इसका, जब हम बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग ख़राब रहा है, जब बहुत ज़्यादा अकेलापन में रहा है, एक तो साला आधा ज़्यादा ज़िंदगी साला हम अकेलेपन में बिताएँ, ठीक है, तो मतलब हमने ये मूल मंत्र यूज किया, और सही में ये बहुत असर करता है, ठीक। आपको मतलब कि जो मुसीबत है, जो आपको तकलीफ है, उस तकलीफ से आपको यहाँ पे निकालने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। ये सिंपल सा लाइन है, सीधा सीधे बोलो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, मैं सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। बस खाली आप इतना बोलो, और फिर देखो कितना कमाल की मतलब कि चमत्कार हो जाता है, ठीक। तो ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, ये हम बोले, पता नहीं हमने इसको कहीं पढ़ा था, मैंने किसी को कहीं देखा था, मेरे को क्लियर उतना याद नहीं है, बट आई डिड सी इट समवेयर, हमने इसको कहीं देखा था, ठीक है। 1, 2, 3, 4 खेती बाड़ी कर रहे, पता है, अगली बार से हम इसमें, ओके, गिर गए बच्चे, गिर गए हम, कहाँ गया यार मेरे, अब कैसे ऊपर चला जाएगा, ओके चलो सुनो, सीढ़ी ले आते हैं, ठीक है, सो जाएगा अभी, तो पता है थंडर स्टॉप, देखो कितना मस्त सुंदर एकदम हुआ है, क्या कहते हैं, सनराइज है अभी ये, ठीक है, सो नहीं पाएंगे हम, थंडर स्टॉप होता तभी सो गए होते, लेकिन थंडर स्टॉप हो नहीं रहा है ना, बिजली कड़केगी तब जा करके सो पाएंगे। एक तो साला बार बार मेरे को सीढ़ी बनाना भूल जाते हैं, सीढ़ी कहते बनता बच्चे, सीढ़ी बनता तुम्हारा, ऐसे करो, हमको याद है यार, ऐसा नहीं है, ये देखो, ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद है, ऐसा नहीं कि अरे भैया हमको भी माइनक्राफ्ट खेलना आता, कोई नया चीज़ थोड़ी है कि भैया मेरे को नहीं आता, मेरे को बहुत सारी चीज़ें खेलने आती है। मैंने ये पता है, हमने चैनल ये शुरुआत करी थी ना कि आपको कुछ चीज़ें शेयर करी जाएंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें शेयर करेंगी, कुछ चीज़ें बातचीत, आगे चल के बहुत बकचोदी करेंगे, सही बता रहे हैं।
ये तो मेरा बस कल ही आदत हो रहा है, आदत हम बना रहे हैं, आगे चल के बहुत बगैदी करने वाले, सही बताया तो मतलब इतनी बदमाशी करने वाले, इतनी बदमाशी करने वाले कि क्या बताया। ठीक है, मतलब अभी क्या है ना कि अभी मतलब धीरे धीरे हम अपना आदत बना रहे हैं। ठीक, 2 3 4, ठीक है, अभी हम अपना आदत बना रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बकवास बकचोदी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी है आगे चल के, तो इसलिए बोले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बहुत सारे मीम्स बनाना है, नौटंकी करनी है, ये वो करना है। ठीक है, तुमको लग रहा है हमको कोई रोक लेगा क्या? डू यू थिंक आई विल स्टॉप? हम नहीं रुकने वाले भाई, मैं विकास प्रताप सिंह नहीं रुकने वाला हूँ। ठीक है, कुछ भी हो जाए भैया, कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अबे ये बताओ, अबे हमको लाइफ में कुछ मतलब मेरे लाइफ में कुछ ऐसे बहुत सुख चैन और आनंद तो है नहीं मेरे लाइफ में, है क्या? नहीं है। तो यार ये बताओ, अगर जो हम ये भी नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? तुम बताओ, अगर जो हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? एक मिनट रुको यार, पानी, एक मिनट रुको, हम लोग ऐसे भी तो ऊपर आ सकते हैं ऐसे भी तो ऊपर आ सकते हैं, ऊपर आने का रास्ता ये भी तो है। ठीक है, हम अपने रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे, रिकॉर्डिंग मेरी चेक हो गई है। ठीक है, ओके, तो सुनो अभी आलू की खेती करनी है, आलू की खेती बच्चे, आलू की खेती। ओके वाह, देख रहे हो कितना मस्त उगा है, इतना अपना पूरा पेड़। ठीक है, मतलब बढ़िया लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको पता है जब यहाँ पे क्रॉप रोटेशन आपको कहते हैं, जब आदमी मतलब जब आप ये क्या कहते हैं खेतों में कुछ पौधे बोते हो ना, तो एक क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन करने से ना, अरे यार क्रॉप रोटेशन, अरे यार मेरे को चेस्ट बनाना पड़ेगा लगता है कि कोई बात नहीं, यहाँ चेस्ट बना देते हैं। कितना सारा चीज़ नीचे गिर गया होगा, क्यों? एक ये ले लो भैया, और ये ले लो तुम, ये ले करके, ये ले के, ये ले लो। ठीक है, और ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग भेज देते हैं, ये हट जाओ, ये हट जाओ, ये हट जाओ बच्चे तुम, और मेरे ख्याल से एक फ्लिंट एंड स्टील काफ़ी है। ठीक ठीक है, आ जाओ आ जाओ, फिर अपना यहाँ पे करते हैं काम धंधा करते हैं। ठीक अपना वो उस स्पेस में जाना होगा। ठीक है, तुमको लग रहा है ना कि हमको मतलब कि आगे चल के ना ये कितने सारे वो सब चीज़ें करनी है, क्या कहते हैं, नौटंकी करनी है नौटंकी के बिना काम नहीं चलेगा। तो चीज़ें चल रही है अपनी, जैसे जैसे सब बकवास, कभी कभी पता है कई सारी चीज़ें ना आप मतलब सोच के चलते हो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन वो मतलब गजब की हो जाती है। ठीक, एक मिनट रुको, इतना ही है यार, इतना ही है क्या? पता मेरे ख्याल से ज़मीन के नीचे भी कई सारी चीज़ें गिर गई होंगी, क्यों? वाह देख रो कितना पैदावार हुआ है, बाप रे बाप, रीस बहुत हुआ है ना यार, देख रहे हो इतना ज़्यादा गेहूं उगा है ना कि क्या बताएं। पता है इसमें गेहूं की तो खेती चलो सही है, लेकिन इसमें वो भी करा जाता है, क्या कहते हैं, मेरे पास गेहूं तो हो गया। ठीक, अब गेहूं से क्या बनेगा पता है, ब्रेड बन सकता है, या फिर कैटल्स को दे सकते हैं, अपना गाय को मवेशी ववेशी को दे सकते हैं। ठीक है, मेरा अभी फिलहाल के लिए उतना कुछ फार्मिंग अर्विंग मतलब मेरे ख्याल से बेसिक फार्मिंग शुरू हो गया, कि अब हम लोग कम से कम भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, इसलिए अब समझ में आया कि इंसानों ने खेती की शुरुआत क्यों करी थी। ओके, और एक बात बताए, आगे चल के ना टॉर्चर चैम्बर बनाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ विलेजर्स को टॉर्चर किया जाएगा कुछ कुछ गांव वालों को टॉर्चर किया जाएगा, अभी नहीं करेंगे बाद में किया जाएगा। ठीक, मेरे मन में कुछ आइडिया है, मेरे मन में एक आइडिया है टॉर्चर चैम्बर का, अभी नहीं करेंगे, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है ना, कहाँ मेरे पास टाइम है, अभी देख रहे हो अरे यार ये क्या नोटिंग किया था हमने, ये अपना हमको इसको यार बरसात में कुछ दिख नहीं रहा, मतलब टाइम नहीं कट रहा है यार, बरसात में दिख नहीं रहा है कुछ क्लियर करके, उसमें कुछ मतलब कि उतना क्लियर विजन विजन तो नहीं है। ठीक है, और बताइए कैसा चल रहा है, 26 जनवरी के दिन पता है सरस्वती पूजा भी था, तो सरस्वती पूजा कैसा गया आपका? देखो ये टिल्ला, ठीक है हो गया ठीक है, पता है बरसात जो होती है ना, बरसात में एक चीज़ आपको आप देखिएगा कि बरसात की जो मतलब आवाज़ होती है जो पानी बरसने का, ये एक तरीके से सुपरोफिक होती है। ठीक है, सुपरोफिक मतलब होता है नींद लाने वाली। ठीक, तो अगर जो आपको नींद नहीं आ रही है तो बरसात की आवाज़ों पर ध्यान दो, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नींद ज़्यादा है। ठीक, इस मेरे को तो नींद आने लगती है, मेरे को मन करता है जब बरसात हो रहा हो तो कोई टेंशन नहीं है दिमाग में, अपना गिटार निकाल लें और यार अपनी दुनिया में खो जाए यार, क्योंकि
बहुत ज़्यादा किसी से मतलब रख करके भी कुछ उखड़ा नहीं हमारा। ठीक है, गेहूँ यार कम होता जा रहा, रात हो गया, क्यों देख रहे हो, रात हो गया यार, अब समझ में आ रहा है, इतना रात हो गया है और ये कुछ दिख नहीं रहा है। अगर ये हार्डकोर रहता तो मेरा पूरा डर के एकदम हालत ख़राब हो जाता। हार्डकोर हम खेल सकते थे, हार्डकोर ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खेलता, लेकिन हार्डकोर में क्या है कि तुम बकचोदी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आगे चल के बहुत नोटंकी करनी है मेरे को इस सब चीज़ में, मतलब इतने सारे नोटंकी करने की क्या बात है। ठीक है, इसलिए हम हार्डकोर नहीं खेल लेते, नहीं तो वैसे मेरा कोई कारण नहीं है कि हार्डकोर ना खेला। ठीक, ऑलराइट, ये चलो यार तुम भी अपना यहाँ पे इसको बोल लेते हैं। मेरे ख्याल से आगे चल के ना मल्टी लेवल इसको पता है ऑटोमेट करना होगा। ठीक, ऑटोमेट करेंगे ना तभी हो पाएगा। ठीक, मतलब कि खाना वाना अपना ऑटोमेटिकली रेडी हो पाएगा। ठीक, ओके, ये भी ले लो। ठीक, आई थिंक मल्टी लेवल अपना फार्मिंग काफ़ी ठीक है। ठीक, मेरे ख्याल से इतना काम चल जाएगा। देख रहे हो कितना बड़ा लंबा सा टावर बनाया हमने, एक लेवल ऑफ फार्मिंग है, दो लेवल, और देखो देखो रात को कितना मस्त लग रहा है देखने में, ये देख रहे हो, बाप रे देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। उधर क्या जल रहा है यार, उधर कुछ है क्या, पता नहीं क्या, जाके चल के देखा जाएगा। ठीक, अभी के लिए चलते सो लेते हैं यार। ठीक है, ये लोग खाना दे दिया जाएगा, देखो खाना कितना हो गया यार। अच्छा हाँ, लोग पास है वो भी था, क्यों आ जाओ, कल सुबह सो के उठा जाएगा तो लोगों को खाना दिया जाएगा। ठीक है, चलो सोने चलते हैं यार। ओके, अगला टारगेट बताया क्या, अगला टारगेट हम लोग को TNT, पता है मेरा अभी फिलहाल का टारगेट क्या है, स्लाइम ब्लॉक पाना। स्लाइम ब्लॉक मिलेगा, TNT मिल जाएगा, तो स्लाइम ब्लॉक और TNT से हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, माइनिंग के लिए जाएंगे। आ जाओ खाने के लिए, तुम लोग आओ, सब लोग जितना खाना खाओ आराम से खाओ, बच्चे आराम से, जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, सारा खाना ख़त्म हो गया। देख रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चला, हो सकता है किसी को दो बार खाना मिल गया हो। मेरे को पता, मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ। अरे यार देख, पूरा ये लोग पूरा धक्का मुक्की कर रहा है देख रहा हूँ। ओके आ जाओ, हो गया, जाओ हटो हमको निकल ले दो। अरे हटो गधों, अरे यार तुम लोग निकल ले दो हमको। ठीक है, 11 से 12 हो गया, क्यों, तो एक्चुअली मैं, हाँ पता है माइनिंग कहाँ किया जाएगा, माइनिंग के लिए हम लोग ना बनाते हैं वो, क्या कहते हैं, माइनिंग के लिए वहाँ पे एक खदान बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, और मेरे को माइनिंग करने जाना भी है, तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग खाना ले लेते हैं और माइनिंग के लिए चलते हैं। ठीक, खाना चलो पका लेते हैं फिलहाल के लिए और चला जाएगा फिर माइनिंग के लिए। ठीक है, बोट्स वोट्स तो है हम लोग पास, पर्याप्त बोट है, क्यों बोट की कमी नहीं है हम लोग को, ये बोट यहाँ पे रख दे रहे हैं। और यहाँ पे सैडल जो है ना, सैडल कहाँ से मिल गया यार, सैडल बहुत मस्त चीज़ है भाई, मेरे को पता, हाँ याद आ गया हमको, सैडल इसलिए मिला है ना क्योंकि हम यहाँ पे वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, मछली मार रहे थे। मछली मारना पड़ता है यार, मछली नहीं मारेगा तो नेम टैग नहीं मिलेगा तो अपना आयरन फार्म नहीं बन पाएगा ना, तो आयरन तो चाहिए हम लोगों को ना, तो आयरन के बिना काम नहीं चलेगा। तो या वी काइंड ऑफ नीडेड टू डू दैट, राइट, इट वाज मेरा एकदम इन्वेंट्री तितर बितर है, कई सारी चीज़ें तितर बितर है, मेरे को मतलब उतना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वेंसर नहीं उस चीज़ की। यहाँ से हम लोगों ने इसको खाली कर दिया, तो चलो अरे गिर गया। तो चलो करते हैं माइनिंग करते हैं, लेकिन माइनिंग कैसे किया जाए, कहाँ खुदाई किया जाए ये बताओ, माइनिंग करने के लिए कौन सा बेस्ट जगह होगा। ठीक, डायरेक्ट अंडरग्राउंड माइनिंग किया जाए, माइनिंग करते हैं हम लोग ना, कहाँ माइनिंग किया जाए बताओ, माइनिंग करते हैं यहाँ पे। ओके, माइनिंग के लिए मैं कह रहा था ये जगह ठीक होगा, क्यों चला जाए अंडरग्राउंड, लेकिन उसके लिए बहुत सारे हम लोग को सीढ़ियाँ भी चाहिए होगी, क्यों, सीढ़ी के लिए बहुत सारा लकड़ी चाहिए होगा। चलो सुनो, लकड़ी लेकर के आते हैं, लकड़ी का वैसे भी बहुत ज़रूरत है, हम लोग सीढ़ी उड़ी बना नहीं पा रहे, हम लोग अपना लेवल बढ़ा नहीं पा रहे ऊँचे में, और वैसे भी मतलब ठीक ठाक है। ठीक, और चलो कुछ क्रीपर, यहाँ पर क्रीपर ऊपर मिलता है यार, यहाँ पर मतलब मॉन्स्टर्स स्पॉन करते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स स्पॉन करते हैं, और ओके यहाँ पर क्रीपर चाहिए था मेरे को, हाँ ये देख रहे हो। अबे सालो तुम लोग जल क्यों नहीं रहे हो भाई, ये बताओ हमको, तुम लोग जल क्यों नहीं रहे हो, ये मेरे ख्याल से ना, भागो 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 भागो, बाप रे बाप, गड़बड़ा गए यार, गड़बड़ा गए, यस साला हम अटक गए, पता है हम अटक गए थे इसलिए हम गड़बड़ा गए थे। ये जल क्यों नहीं रहा, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट इसके, अरे
अरे यार देख रहे हो, मार दिया मेरे को। कोई बात नहीं, मेरा खाना अब नहीं यूज होगा। मुसीबत में भी अच्छी चीज़ें देखने के लिए एक कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है। संभाल के आते अपना। लेकिन हमको पता है ये लोग मेरा सामान उठा लेगा, और ये लोग मेरा सामान उठा लेगा तो इनको हारना हराना बहुत मुश्किल है। अरे यार, व्हाट द हेल। इसको तो मैं हट। अरे यार डैमेज हो गया। आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट रियली। अरे यार कितना कुछ सामान बर्बाद हो गया मेरा, मेरा सारा लेवल वेवल चला गया। अरे लेवल वेवल का तो टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक इतना मशीन बनाएंगे ना आगे चल करके, क्या बताए कितना मशीन बनाएंगे। ओके शील्ड कहाँ गया मेरा? शील्ड मेरा यहाँ पे। तुमने शील्ड यूज किया क्यों नहीं था? शील्ड कितना यूज करते, हमको भागना था ना, देख रहे हो। एक बार और मरी जाते यार, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि अगर जो मर जाएंगे तो फिर कोई बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हमने इधर वैसे एक क्रीपर देखा था, मेरे को क्या चाहिए था पता? कि देख रहे हो कितना अंधेरा है, बाप रे बाप, ओ माय गॉड, कुछ दिख भी नहीं रहा, देख रहे हो कितना ब्लैक है। इसलिए मेरे को सेल्ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इंस्टॉल करना इस तरीके, देख रहे हो कितना अंधेरा है। हाँ तो हम लोगों को क्या चाहिए था? पेड़ चाहिए था, ठीक है। पेड़ और लेकर के आते हैं, ठीक। डिफॉरेस्टेशन करना था, क्या है मेरे पास वो सब चीज़ें भी, ठीक है। तो चलते हैं फिर, मेरे ख्याल से जॉम्बी ग्रोन्स। अरे यार तुम काहे आ जा रहे हो, बिना बुलाए क्यों आ जा रहे हो? अरे यार इतना बार मर रहे हैं, इतना बार मर रहे हैं ना, कि क्या दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। हाँ दिमाग मेरा फिर भी मतलब कि बहुत हद तक का सही है यार। मतलब एक बार किल तो होना ही था, डेथ तो होना ही था। मतलब अगर जो डेथ नहीं होता ना तो फिर से भूख लगता तो फिर खाना कहाँ से लाते, ठीक है। इधर मैं कह रहा था इट्स नॉट दैट मच बैड। वैसे हमको मारा कहाँ गया था? इधर मारा गया था क्यों? ये पता, वो इलाका बहुत बेकार है, उधर जाना नहीं है मेरे को। आगे चल के ना उसको हटा देंगे, ठीक। और चलो फिर कहाँ गया यार मेरा सामान, कहाँ गया मेरा सामान? यहाँ पे है, मिल गया मिल गया, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। आजा आजा आजा, इनको रैप बॉटल करवाते हैं, ठीक है। मेरा सामान तो कुछ रिस्पॉन नहीं हुआ क्यों? आई थिंक इट्स ओके। वो क्या है, लकड़ी उकड़ी है क्या? देख रहे हो यार, मैं नहीं जाऊंगा अंदर में, मेरे को दिख ही नहीं रहा वहां पे, देख रहे हो। हमको सीम बहुत बहुत नफरत है यार इन लोगों से। अरे 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 अरे, व्हाट द हेल, साला स्केलेटन कमीना। पता है ये हार्ड गेम प्ले, ठीक है। जब हार्ड, मेरा वो कहाँ गया? अरे मेरा कई सामान उधर ही रह गया यार, देख रहे हो यार, देख रहे हो। वर्ल्ड स्टार्ट किए हुए कितना दिन हो गया और अभी भी कोई भी आके मार के चला जा रहा, ठीक। अरे तेरी की रात हो गया, निकलो यहाँ से यार, मैं नहीं रहूँगा उधर। ओके ये देखो यहाँ पे मेरा सामान आ गया, ठीक, मेरा सामान मिल गया यहाँ पे। ओके आई थिंक कि अभी के लिए इतना, इस एपिसोड के लिए काफ़ी है, ठीक है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, बैठ के आपको थोड़ी दिखाएंगे कि हम बैठ के यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ये थोड़ी दिखाएंगे बैठ करके हम यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं और गड्ढा खोद रहा है, ठीक है। इसमें को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम अगले एपिसोड में ना बहुत सारा लकड़ी उकड़ी लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे और आगे चल के आगे अपना हम लोग कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आई थिंक चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।